प्यारे देशवासियों नमस्कार देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्योहार है कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आजादी का सपना साकार हुआ था उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए अपने गणतंत्र की विगत पचहत्तर वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है प्यारे देशवासियों हाल ही में सम्पन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 एक वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, है। लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य कारणों के स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े यह अभूतपूर्व संकट का समय था मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूं यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जाने गवाई हैं उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों नर्सों स्वास्थ कर्मियों प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूं इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें मेरे प्यारे देशवासियों इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनकी जरूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में छः लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही तेईस हजार दो सौ बीस करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परोख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफी कम हो गई है मूलतः भारत गाँव में ही बसता है इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा स्वास्थ्य नागरिक उड्डयन विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है उदाहरण के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है प्यारे देशवासियों अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूं। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है प्यारे देशवासियों पचहत्तर साल पहले जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा इसमें हमारी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा और साथ ही समकालीन विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की कुशलता का प्रदर्शन भी होगा स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर इस नए भवन के उद्घाटन को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा सरकार ने इस विशेष वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है गगनयान मिशन उन अभियानों में विशेष महत्व रखता है इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जब वे अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे तो भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा इस प्रकार हमारी आकांक्षाओं की उड़ान किसी प्रकार की सीमा में बंधने वाली नहीं है फिर भी हमारे पैर यथार्थ की ठोस जमीन पर टिके हुए हैं हमें यह एहसास है कि आज़ादी के लिए मर मिटने वाले स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने की दिशा में हमें अभी काफ़ी आगे जाना है वे सपने हमारे संविधान में न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता इन चार सार शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से समाहित किए गए हैं असमानता से भरी विश्व व्यवस्था में और अधिक समानता के लिए तथा अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में और अधिक न्याय के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है न्याय की अवधारणा बहुत व्यापक हो गई है जिसमें आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ा न्याय भी शामिल है आगे की राह बहुत आसान नहीं है हमें कई जटिल और कठिन पड़ाव पार करने होंगे लेकिन हम सबको असाधारण मार्गदर्शन उपलब्ध है यह मार्गदर्शन विभिन्न स्रोतों से हमें मिलता है सदियों पहले के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक युग के संतों और राष्ट्र नायकों तक हमारे मार्गदर्शकों की अत्यंत समृद्ध परंपरा की शक्ति हमारे पास है अनेकता में एकता की भावना के बल पर हम दृढ़ता से एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं विरासत में मिली हमारे पूर्वजों की जीवन दृष्टि इस सदी में न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध होगी आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने मानव जाति के सम्मुख गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने न केवल पेरिस जलवायु समझौते का पालन किया है बल्कि जलवायु की रक्षा के लिए तय की गई प्रतिबद्धता से भी अधिक योगदान कर रहा है फिर भी मानवता को विश्व स्तर पर अपने तौर तरीके बदलने की सख्त जरूरत है इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर दुनिया का रुझान बढ़ता जा रहा है ऐसी ज्ञान परंपरा जो वेदों और उपनिषदों के रचनाकारों द्वारा निर्मित की गई रामायण और महाभारत में वर्णित की गई भगवान महावीर भगवान बुद्ध तथा गुरु नानक द्वारा प्रसारित की गई और महात्मा गांधी जैसे लोगों के जीवन में परिलक्षित हुई गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के अनुरूप जीने की कला सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है लेकिन एक बार जब आप नदियों और पहाड़ों पशुओं और पक्षियों के साथ संबंध बना लेते हैं तो प्रकृति अपने रहस्यों को आपके सामने प्रकट कर देती है आइए हम संकल्प लें कि गांधी जी के इस संदेश को आत्मसात करेंगे और जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए त्याग भी करेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में देश प्रेम और त्याग की भावना सर्वोपर थी उन्होंने अपने हितों की चिंता न करते हुए हर प्रकार की चुनौतियों का सामना किया मैंने देखा है कि कोरोना के संकट का सामना करने में भी लाखों लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से दूसरों के स्वास्थ्य और प्राणों की रक्षा के लिए भारी जोखिम उठाए हैं ऐसे सभी कोविड योद्धाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूँ अनेक कोविड योद्धाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है मैं उन सब की स्मृति को नमन करता हूँ हाल ही में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से मेरा उस स्मारक तक जाना संभव नहीं हो पाया वीर सैनिकों के सम्मान में उस दिन मैंने बारामूला में डैगर वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की वह मेमोरियल उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है उन जाबाज योद्धाओं की वीरता और त्याग की सराहना करते हुए मैंने देखा कि उस युद्ध स्मारक में एक आदर्श वाक्य अंकित है मेरा हर काम देश के नाम यह आदर्श वाक्य हम सभी देशवासियों को मंत्र के रूप में आत्मसात कर लेना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करना चाहिए मैं चाहूंगा कि राष्ट्र और समाज के हित को सर्वोपरि रखने की इसी भावना के साथ हम सभी देशवासी भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट हो जाएं मेरे प्यारे देशवासियों मैं विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों की सराहना करता हूं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है और आवश्यकता पड़ने पर साहस बलिदान भी दिया है मैं सभी प्रवासी भारतीयों की भी प्रशंसा करता हूँ उन्होंने जिस देश में भी घर बसाया है वहाँ अपनी मातृभूमि की छवि को उज्जवल बनाए रखा है मैं एक बार फिर आप सभी को भारत के पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ यह वर्षगांठ मनाते हुए मेरा हृदय सहज ही आज़ादी के शताब्दी वर्ष दो के सशक्त समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है मैं यह मंगल कामना करता हूं कि हमारे सभी देशवासी कोविड महामारी के प्रकोप से मुक्त हो तथा सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें। एक बार पुनः आप सभी को मेरी शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद माई डियर फेलो सिटीजन्स namaskar it is a matter of great joy for me to wish all indians living in india and abroad a very happy independence day this day has a special significance as it marks the beginning of the 75th year of india's independence for which azadi ka amrit mahotsav is being celebrated my hearty congratulations to you all on this momentous occasion. Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices. Today, you and I breathe under free skies thanks to their heroic deeds. I bow. In respect to the pious memory of those brave martyrs, our nation, like many others, suffered great injustices and tyranny under foreign rule. What distinguishes India, however, is that the character of our nationalist movement led by Mahatma Gandhi, was based on the principles of truth and nonviolence he and all other national heroes provided us with an invaluable blueprint to not only liberate the nation from colonial rule, but also to rebuild it. gandhi's struggle was for a return to indian ethos and for human dignity. now, as we look back to the 75-year journey of our republic, we have reasons, to be proud of the considerable distance we have traveled. Gandhiji taught us that slow and steady steps in the right direction are preferable to rapid strides in the wrong direction. The world looks up at the miracle of India, home to the plurality of traditions and yet the biggest and most vibrant democracy. Dear fellow citizens, in the recently concluded Tokyo Olympics, our sportspersons have brought laurels to the nation with their stellar performances. India has won the highest number of medals in the 121 years of its participation in the Olympics. Our daughters have achieved world class excellence in playgrounds. Overcoming many adversities. Along with sports, epoch making changes are taking place in the participation and success of women in all walks of life. From higher educational institutions to armed forces, from laboratories to playgrounds, our daughters are making their mark. In this success of our daughters, I see a glimpse of a developed india of the future i urge every parent to learn from the families of such promising daughters and provide opportunities to their daughters also to explore avenues of growth like last year this year too the scale of independence day celebration may have been reduced due to pandemic yet our hearts remain always filled with enthusiasm. The intensity of the pandemic has come down, but the coronavirus has not yet gone away. We are yet to come out of the devastating effects of its recurrence this year. Last year, with exceptional efforts from all, we had succeeded in bringing the spread of infections under control. Our scientists had succeeded in developing vaccines in a very short time. Therefore, at the beginning of this year, there was every reason to be hopeful as we launched the largest vaccination exercise in history. Yet, due to the new variants and other unexpected factors, we suffered from a terrible second wave. I am deeply sad that many lives. Could not be saved, and many more suffered immensely in this phase of an unprecedented crisis. I speak for the whole nation when I say that I share the grief of all the affected families with the same intensity. The science is coping with this invisible enemy of terrible might with remarkable speed. We can take solace from the fact. That more lives have been saved than the lives lost. It was our collective determination to overcome the challenge that helped us see the weakening of the second wave. Once again, our corona warriors, the doctors, nurses, and health workers, the administrators, and others risked everything to contain the impact of the second wave. The second wave brought our public health care infrastructure under stress. The reality is that no infrastructure, even of advanced economies, could withstand a crisis of such enormous proportions. Efforts were made on war footing to plug the gaps. The leadership rose to the challenge, and the government's endeavors were Supplemented by initiatives of the states, private sector healthcare care facilities, the civil society and others. In this extraordinary mission, foreign nations shared the essentials generously, just as India had reached out to many nations with medicine, equipment and vaccines. I am grateful to the global fraternity that came forward with a helping hand. Due to these efforts, the nation breathes a sigh of relief with the return of a semblance of normalcy. If we have learned our lessons well, we know that this is the time of extra care and caution. We shall not let our guard down. Vaccines are the best possible protection science offers to us. Under the world's biggest vaccination campaign going on in our country, more than 50 crore fellow citizens have been vaccinated so far. I urge all eligible citizens who are yet to get vaccinated to do so at the earliest and also inspire others. Dear fellow citizens, the economic impact of the pandemic is as disastrous. As its health impact. The government has been concerned about the lower middle classes and the poor, as well as about the small and medium industries. It has been sensitive to the needs of the laborers and of employers who have been facing hardships due to the lockdowns and movement restrictions. Sensitive to their needs. The government had taken a series of relief measures last year. This year also the government had distributed food grains to about 80 crore people in May and June. This benefit has been extended till Diwali. Moreover, the government has announced a new stimulus package worth rupees 628000 crore to boost the selected covid affected sectors in particular it is heartening to note that an amount of rupees 23220 crore is being spent over one year for expansion of medical facilities it is heartening to note that rural india particularly the agriculture sector has kept growing against all odds in a recent visit to my ancestral village, Parang, in Kanpur Dehat district, I was quite pleased to find that better infrastructure is being developed to make life better for people in rural areas. The psychological distance between the urban and the rural is now much less as compared to the past. After all, India lives in its villages, which cannot be allowed. To lag behind in development. That is why special campaigns, including the Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi, are being implemented for the welfare of our farmers. These efforts are consistent with the vision of an Atma Bharat, a self reliant India. With a widening faith in the inherent capacity of the economy, the government has further opened up defense, health, civil aviation, power, and other sectors. The government's new initiatives to promote eco friendly renewable sources of energy, particularly solar power, have won praise around the world. If there is an improvement in the ease of doing business, it has a positive impact on the ease of living for all in addition to these, a special emphasis is being given to public welfare for example the dream of having a home of one's own is being realized thanks to the rupees 70000 crore credit linked subsidy scheme the series of agricultural marketing reforms will empower our annadata farmers and help them get better price for their produce these are some of the measures the government has taken to unleash the potential of every indian dear fellow citizens a new dawn is rising in jammu and kashmir the government has initiated the process of consultation with all stakeholders who have faith in democracy and the rule of law i urge the people Especially the youth of Jammu and Kashmir to utilize this opportunity and work on realizing their aspirations through democratic institutions. With all round progress, India's stature is rising in the international arena as it was reflected in our participation in several key multilateral forums as well as in consolidating bilateral relationships with several countries. dear fellow citizens, when india won independence 75 years ago, many skeptics thought democracy would not survive in india. little did they know that roots of democracy were nurtured in this soil in ancient times and even in modern times. india was ahead of many western nations in offering Franchised to all adults, regardless of any distinctions. The founding fathers had reposed their faith in the wisdom of the people, and we, the people of India, have made India a strong democracy. We have adopted the system of parliamentary democracy. Therefore, our parliament is the temple of our democracy, which provides us the highest forum. Where we discuss, debate, and decide issues for the well being of our people. It is a matter of great pride for all Indians that our Parliament will soon be housed in a new building. It will be a fitting statement of our outlook. It will honor our legacy while also walking in step with the contemporary world. It is more than symbolic. That the new building will be inaugurated in the year of the 75th anniversary of independence. The government has planned many initiatives to make this special year memorable, and the most exciting of them all may as well be the Gaganyaan mission. Pilots of the Indian Air Force have been receiving training abroad. When they fly off into space, India will become only the fourth nation on the planet to carry out a manned space mission. When it comes to the flights of our ambitions, we don't let any limitations define us. Yet we keep our feet on the ground. We acknowledge that we still have a long way to go in realizing the dreams of those who won the freedom for us. Our constitution neatly summarizes those dreams in four words justice liberty equality and fraternity we must strive for more equality in an unequal world more justice in unjust circumstances justice has come to encompass a large range of connotations including economic and environmental justice the road ahead is not easy we will have to negotiate many twists and turns but we have the benefit of incomparable guidance it comes to us from diverse sources from the venerable seers of millennia ago down to the sages and leaders of more recent times in the spirit of Unity in diversity, we as a nation are following the right course. This vision, derived from the unique Indian heritage, is going to be helpful not only to us but to the whole world in this century. Modern industrial civilization has posed serious challenges before humankind. Climate change has become a reality of life. With seas rising, glaciers melting, and temperatures soaring. India is proud of not only adhering to the Paris Climate Agreement but doing more than what the country has committed to protect the climate. However, the world desperately needs a course correction. This is why the world is increasingly turning to the wisdom of. India, as created by the authors of the Vedas and Upanishads, as depicted in the Ramayana and Mahabharata, as taught by Lord Mahavira, Lord Buddha, and Guru Nanak, and as reflected in the lives of the likes of Mahatma Gandhi. Learning the art of living in tune with nature requires effort, Gandhiji says. But once you establish a relationship with rivers and mountains, birds and animals, nature reveals its secrets to you. Let us resolve to listen to this message of Gandhiji and also to make sacrifices for the sake of the land we live in. The spirit of patriotism and sacrifice was paramount among our freedom fighters. They faced all kinds of challenges without caring for their own interests. i have seen that in the face of corona crisis, lakhs of people have taken enormous risks to protect others with the spirit of selfless service for humanity. i convey my profound appreciation for all such covid warriors. many of them succumbed to covid-19. i pay homage to them. Recently, on the occasion of Kargil Vijay Diwas, I wanted to visit the Kargil War Memorial Dras in Ladakh to pay homage to our brave soldiers. But due to bad weather, it was not possible for me to reach that monument. On that day, I paid homage to our brave soldiers at the Dagger War Memorial in Baramula that memorial has been built in the memory of all the soldiers who have made the supreme sacrifice in their line of duty while appreciating the valor and sacrifice of those brave warriors i noticed that the war memorial has a motto inscribed mera har kam desh ke nam, which means each and every deed of mine is for the nation all of us should imbibe this motto as a mantra and work with full devotion and dedication for the development of the nation. I would like that all of us come together to take India forward on the path of progress with the spirit of keeping the interest of the nation and society foremost. Dear fellow citizens, I extend my greetings especially. To the members of the armed forces who have guarded our freedom valiantly and gladly making supreme sacrifice when necessary. I also extend my greetings to the members of the Indian diaspora who have represented the motherland well wherever they have made home. I once again congratulate all of you on the eve of India's 75th Independence Day. While celebrating this anniversary, I cannot stop my mind from imagining a powerful, prosperous, and peaceful India of 2047 when we will celebrate 100 years of our independence. I wish that all our people come out of the difficulties caused by the COVID pandemic and move ahead on the path of happiness and prosperity once again my best wishes to all of you thank you jai hind